Today's topic is about classification of polynomial with respect to terms. Terms क्या होती है? We have a polynomial general representation of polynomial that is known as terms. कहाँ से मिलेंगी? You see, the basic operations जो हमारे पास definition में होती है polynomial के लिए, उनमें दो operations जो है plus और minus. यहाँ पे इस पॉलीनोमियल को अगर आप देख लेंगे कितनी मरतबा ये प्लस और माइनस इसमें प्रेजेंट होगा, दैट गिव्स अस नंबर ऑफ टर्म्स. फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव पॉलीनोमियल px इज इक्वल टू 3x रेज पावर 5 प्लस 7x रेज पावर 3 माइनस 101x प्लस 7. क्लियरली सी, we have here addition, subtraction, addition. Number of times the operation plus or minus present in this particular polynomial, we get the number of terms present in this polynomial. We have here three times either operation plus or minus exists here. Therefore, the number of terms of this particular polynomial is 4. That is, number of terms is number of operations plus or minus. उसको plus 1 देना है, वहां से आपको number of terms of a given polynomial मिलेगा. अब इन्हीं terms के हिसाब से हमें classification भी मिलती है इस polynomial का. अगर हमारे पास polynomials होंगे, say we have the general representation of family of polynomial is given by x equal to an xn plus n minus 1 x raised power n minus 1 plus 1 up to plus 1 x plus 0. ये family को represent करता है, family of polynomial को represent करता है. But the family of polynomial have infinite number of polynomials. इसमें infinite number of polynomials हैं. अब किस पॉलीनोमियल में कितनी टर्म्स हैं, उसी हिसाब से उनका क्लासिफिकेशन बनेगा. फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव ए पॉलीनोमियल कंटेन्स ओनली वन टर्म दैट इज सिंगल टर्म, ए पॉलीनोमियल हैविंग ए सिंगल टर्म, जिस पॉलीनोमियल में एक ही टर्म होगा उसे हम बोलते हैं मोनोमियल पॉलीनोमियल. डेफिनेशन, ए पॉलीनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल पॉलीनोमियल. एग्जाम्पल, अगर हम पी एक्स एक्स रेज पावर 101, पी एक्स हम ये भी ले सकते हैं अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर, पी एक्स ये भी हम लेंगे 1/2 एक्स रेज पावर 500. ये आपके पास मोनोमियल पॉलीनोमियल्स हैं. अब इसके बाद सेकंड, ये तो वो पॉलीनोमियल्स आ गई जिनमें एक ही टर्म होगा, दे आर कॉल्ड मोनोमियल. सेकंड क्लास हो गई, फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास वो पॉलीनोमियल्स होंगी जिनमें टू टर्म्स होंगी. दैट इज ए गिवन ए पॉलीनोमियल हैविंग ओनली टू टर्म्स, पॉलीनोमियल हैविंग टू टर्म्स. इस तरह भी डेफिनेशन दे सकते, पॉलीनोमियल having two terms, polynomial having two terms is called binomial.
पॉलीनोमियल जिसमें खाली दो टर्म्स होंगी दैट इज कॉल्ड ए बाइनोमियल। एग्जांपल अगर हम लेंगे यहां पे एक्स इज इक्वल अंडर रूट सेवन एक्स रेज पावर 100 माइनस 1/2x, px अगर हम लेंगे x माइनस 1/7। सी दिस px कंटेन्स ऑनली टू टर्म, दिस px कंटेन्स ऑनली टू टर्म्स, बोथ टू पॉलीनोमियल्स आर बाइनोमियल पॉलीनोमियल। ये सेकेंड क्लास आ गया। अब थर्ड क्लास में क्या होगा, जो जो पॉलीनोमियल जिस पॉलीनोमियल में तीन टर्म्स होंगी है, पॉलीनोमियल हैविंग ऑनली थ्री टर्म्स, जिसमें खाली तीन टर्म्स होंगी, क्लास ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलीनोमियल्स आर कॉल्ड ट्राइनोमियल पॉलीनोमियल्स। पॉलीनोमियल्स हैविंग थ्री टर्म्स, पॉलीनोमियल्स हैविंग थ्री टर्म्स आर कॉल्ड ट्राइनोमियल। इसी तरह इसका भी एग्जांपल हम लेंगे यहां पे, एग्जांपल 5x^7 + 3x² - 100 px इक्वल, px इज इक्वल x^700 - 3x + 11। दिस पॉलीनोमियल कंटेन्स थ्री टर्म्स, दिसका पॉलीनोमियल कंटेन्स थ्री टर्म्स, एंड दिस इज ट्राइनोमियल पॉलीनोमियल, दिस इज आल्सो ट्राइनोमियल पॉलीनोमियल। इसी तरह नेक्स्ट क्लास जो होगा फोर्थ क्लास, ए पॉलीनोमियल हैविंग ऑनली फोर टर्म्स, अगर किसी पॉलीनोमियल में खाली चार टर्म्स होंगी, दे आर दैट इज कॉल्ड फोर्थ टर्म पॉलीनोमियल। जिस पॉलीनोमियल में चार टर्म्स होंगी उसे फोर टर्म्स वाली पॉलीनोमियल बोलते हैं। इसी तरह अगर किसी पॉलीनोमियल फाइव टर्म्स होंगी उसे हम बोल सकते हैं पॉलीनोमियल ऑफ फाइव टर्म्स, या उस पॉलीनोमियल को हम बोल सकते हैं दैट कंटेन्स फाइव टर्म्स इज कॉल्ड ए पॉलीनोमियल ऑफ फाइव टर्म्स। ये आपके पास क्लासिफिकेशन आ गया है। रिवाइज, ए पॉलीनोमियल ऑफ ए सिंगल टर्म is called monomial polynomial, a polynomial having two terms is called binomial polynomial, a polynomial having three terms is called trinomial। इसी तरह जिस polynomial में चार terms होंगी that is called polynomial of four terms, a polynomial contains five terms is called polynomial of five terms, and so on। ये हमारे पास classification आ गया polynomial with respect to terms। इसके बाद हमें नेक्स्ट टॉपिक है यहां पे डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल। पहले हम डिफाइन कर लेंगे पॉलीनोमियल। सी टेकिंग जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलीनोमियल पीएक्स इज इक्वल टू एन एक्स रेज पावर एन प्लस एन माइनस वन एक्स रेज पावर एन माइनस वन प्लस वन प्लस ए वन एक्स प्लस ए जीरो। हमारे पास जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलीनोमियल, अगर इस पे हम कंडीशन डाल देंगे इफ एन इज नॉट इक्वल टू जीरो देन हाईएस्ट पावर जो इसमें होगा दैट बिकम्स एन, देन द डिग्री ऑफ दिस पॉलीनोमियल बिकम्स एन। मीन्स डेफिनेशन क्या होगा डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल, इफ वी हैव ए पॉलीनोमियल द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल प्रेजेंट इन द गिवन पॉलीनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल। यहां पे हमने रेस्ट्रिक्ट किया ये एन इज नॉट इक्वल टू जीरो देन हाईएस्ट वैल्यू हियर एक्सपोनेंट का हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास एन है दैट इज डिग्री इज हियर एन डिग्री इज। नाउ टेकिंग डेफिनेशन
given a polynomial, the highest exponent of variable present in given polynomial. Polynomial is called degree of polynomial. Degree of polynomial. ये हमारे पास degree of polynomial आ गया. Example, we have polynomial px is equal to 5x raised power 7 plus 6x raised power 3 minus 7x plus 11. इस polynomial में जो highest exponent है variable का, that is here 7, therefore degree becomes here 7. Degree is here 7. Degree क्या है हमारे पास 7. इसी तरह अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, px इज इक्वल टू से 3x रेज पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 11. हाईएस्ट पावर अगर हम इस पॉलीनोमियल में देखेंगे, दैट इज इक्वल टू 3, देयरफॉर डिग्री इज हियर 3. डिग्री यहां पे हमारे पास इस पॉलीनोमियल का 3 है. अगर हमारे पास px होगा, px इज इक्वल टू 100, then the exponent of this polynomial is here 0. Therefore, degree is here 0. Degree is 0. If we have px is equal to 1 minus x, the highest exponent is here 1, degree is 1. थैंक यू. इसके बाद कल कर लेंगे.